पुणे की रहने वाली मिताली ने 2 महीने पहले ही नौकरी बदली है। नया दफ्तर, नया माहौल, उस पर भी 30% का सैलरी हाइक। मिताली की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन अचानक आए एक मैसेज ने उन्हें चिंता में डाल दिया। मैसेज उस बैंक की तरफ से था जहां उनका सैलरी अकाउंट था। नई नौकरी ज्वाइन करते टाइम उसकी कंपनी ने नए बैंक में सैलरी अकाउंट खुलवा दिया था। पुराने बैंक खाते में करीब 3 महीने से सैलरी नहीं आई थी। ऐसे में पुराने बैंक ने उनके खाते को सैलरी अकाउंट से हटाकर सामान्य बचत खाता बना दिया, जिस पर तमाम तरह के चार्जेस लगने लगे थे। सबसे बड़ा चार्ज मिनिमम बैलेंस का था। बैंक की सेविंग अकाउंट का मिनिमम बैलेंस 25,000 रुपए था। सैलरी आई नहीं तो पैसा मिनिमम बैलेंस से भी कम रह गया। बैंक ने मिनिमम बैलेंस चार्ज काटकर मिताली को तगड़ी चपत लगा दी। जानकारी की कमी के कारण मिताली जैसी ही जो सिचुएशन है वो कई लोगों की है। देश के हजारों नौकरी पेशा लोग इस सिचुएशन को झेलते हैं। वो नई नौकरी तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन पुराना खाता बंद नहीं कराते। सामान्य तौर पर बैंक लगातार 3 महीने सैलरी न आने पर आपका सैलरी अकाउंट सामान्य बचत खाते में बदल देते हैं। लोग इस अकाउंट को यूं ही छोड़ देते हैं। अक्सर उनका थोड़ा पैसा भी इसमें जमा रहता है। ध्यान न देने के कारण ये पैसा भी बैंक की तरफ से विभिन्न चार्जेस लगाकर भेंट चढ़ जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आप सैलरी और सामान्य बचत खाते का अंतर यानी डिफरेंस समझ लें। यहाँ सैलरी अकाउंट के बारे में मैं आपको पहले बताती हूँ। ये वो खाता होता है जिसमें हर महीने आपकी सैलरी आती है। बचत खाते की तुलना में सैलरी अकाउंट में कई तरह की एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, जिनके लिए कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। जब आपका सामान्य खाता हो जाता है तो उस पर कई तरह के चार्ज लगने शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताती हूँ कि सैलरी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई शर्त नहीं होती। इस खाते में चेकबुक, ATM ट्रांजैक्शन और डिमांड ड्राफ्ट की स्पेशल सुविधा मिलती है। सैलरी अकाउंट होल्डर को बैंक कुछ सस्ता और आसान शर्तों पर लोन भी देते हैं। सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस पर खोला जाता है, लेकिन ये लाभ तब तक है जब खाते में लगातार 3 महीने तक सैलरी नहीं आती है। 3 महीने बाद सैलरी खाता बचत खाते की कैटेगरी में आ जाता है। नियमों के तहत सेविंग बैंक अकाउंट में एक मंथली एवरेज बैलेंस रखना होता है, जो मिनिमम 500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक हो सकता है। मिनिमम राशि जमा ना करने पर बैंक आपकी पॉलिसी के हिसाब से आपके खाते से पैसे काटना शुरू कर देते हैं। ये रकम प्रति तिमाही 250 रुपए से 750 रुपए तक की हो सकती है। हालांकि बैंक में अकाउंट खुलवाने पर कोई अलग से चार्ज नहीं लगता, लेकिन कई बैंक अपने डेबिट कार्ड पर फीस लेते हैं। ये फीस सालाना 100 रुपए से 1,000 रुपए तक हो सकती है। अगर आप अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब भी आपको डेबिट कार्ड की फीस भरनी पड़ेगी। बैंक आपके फोन पर SMS भेजने का चार्ज भी आपसे वसूलते हैं, जो 45 रुपए प्रति तिमाही तक हो सकता है। इस राशि पर 18% GST अलग से वसूला जाता है। इस तरह बैंक आपके खाते में अलग अलग मदों में पैसा काटते रहते हैं। जब खाते में जमा राशि शून्य हो जाती है तो कटौती का सिलसिला खत्म नहीं होता। आपके ऊपर पेनल्टी पर पेनल्टी भी लगनी शुरू हो जाती है। ये रकम जमा ना करने पर बैंक आपको डिफॉल्ट घोषित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपका सिविल स्कोर भी खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। हालांकि RBI के नियमों के तहत बचत खाते में बैलेंस शून्य होने के बाद बैंकों को पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए। अगर बैंक शून्य बैलेंस के बाद पेनल्टी लगाता है तो उसकी RBI की वेबसाइट पर जाकर आप कंप्लेन भी दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन SMS चार्ज और डेबिट कार्ड की फीस तो आपको भरनी ही होगी। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में लगातार 12 महीने तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट को इनएक्टिव अकाउंट मान लेगा। अगर इसमें अगले 12 महीने तक भी कोई लेन देन नहीं होता है तो ये खाता डोरमेंट अकाउंट की कैटेगरी में आ सकता है। ऐसे में अगर आपके पास 2 या 3 या फिर ज्यादा बैंक अकाउंट हैं तो गैर जरूरी खातों को जरूर बंद करा लें। अगर आप जॉब बदल रहे हैं या किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं तो पुराने बैंक खातों में बैलेंस मेंटेन रखें। जो खाते जरूरी नहीं है उन्हें तुरंत आप बंद करवा सकते हैं। जरूरत से ज्यादा बैंक खाते रखने कोई समझदारी नहीं है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए Money9 को डाउनलोड करें।